महाविद्यालय के बहुउद्देशीय सभागार में अपने महाविद्यालय के पुरातन छात्र और नगर के जाने माने योग प्रशिक्षक प्राकृतिक चिकित्सक श्री अशोक चंद्रा जी, महाविद्यालय के मुख्य नियंता बड़े भाई प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह जी, शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रभारी डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर जी, कमलेश मौर्या जी, डॉक्टर चंडी पांडे जी, दीपक साहनी जी, डॉक्टर आरपी यादव जी, नवीन जी, अंकित जी, नीतीश शुक्ला जी और प्यारे विद्यार्थियों, कम संख्या में ही विद्यार्थियों को बुलाया गया था। इस सभागार की धारणा को देखते हुए हम लोग की कोशिश थी कि उतने ही विद्यार्थी बुलाए जाएं जो आराम से योगाभ्यास को कर सके, और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप आप लोग महाविद्यालय में आए। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। योग हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और विरासत का हिस्सा है। योग यानी जोड़ना, शरीर से मन को जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, परिवार से समाज को जोड़ना, व्यक्ति से राष्ट्र को जोड़ना, राष्ट्र से विश्व मानवता को जोड़ना, ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो योग है। और योग एक जीवन पद्धति है। यह हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को अनुभूत किया और महर्षि पतंजलि जी ने एक अष्टांग योग की पद्धति का निर्माण किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 800 बार योग की संपूर्ण प्रक्रिया को अगर आप अनुसरण करते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने जीवन को सरल, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके को अपने अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम। आज स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने कौशल को बढ़ाना है, हजारों साल पहले इसकी अनुभूति की थी। और योग व्यक्ति के कौशल को बढ़ाने की एक विधा है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति बढ़े, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका मन संतुलित रहे, शरीर और मन के बीच समन्वय ठीक रहे, ताकि वो अपने अभीष्ट को, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। आज हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों से पूरी दुनिया ने योग के न सिर्फ चिकित्सकीय बल्कि इसके आध्यात्मिक, सामाजिक और हर प्रकार के महत्व को समझा है। आज इस तरह से रासायनिक दवाओं के द्वारा हम अपने रोगों का उपचार करते हैं और तमाम पार्श्व प्रभावों के कारण अनेक व्याधियों का घर अपने शरीर को बना लेते हैं। ऐसे में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा शरीर और मन के शुद्धिकरण और उपचार के एक नैसर्गिक तरीके को अपना करके हम अपने धन को भी बचा सकते हैं और अपने शरीर पर अनावश्यक पड़ने वाले साइड इफेक्ट को भी हम रोक सकते हैं। विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग को और भी आसान कर सकते हैं। आप कई प्रकार के आसन का अभ्यास किए, आपने प्राणायाम का अभ्यास किया। ये आसन आपके शरीर को संतुलित करने के लिए होते हैं और प्राणायाम श्वास के संतुलन के द्वारा, उसके आरोह अवरोह के द्वारा, सांसों के नियंत्रण के द्वारा ये आपको मन को संतुलित करने का काम करता है। तो ये पूरी विधा शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख करके आपके अपने संपूर्ण क्षमता के विकास और आपकी कुशलता में अभिवृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आपके शरीर में
जो आपका पूरा मेरुदंड है, उस मेरुदंड में कई प्रकार के जब हम बंध लगाते हैं, वो सात चक्रों की अवस्थिति, ये सात चक्रों का अपना महत्व है। अगर मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है वो अगर जागृत अवस्था में नहीं है तो आपको कब्ज की शिकायत होगी, आपका पेट साफ नहीं होगा और तमाम प्रकार की व्याधियां। तो चाहे वो मूलाधार चक्र हो, चाहे उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र हो, चाहे उसके ऊपर मणिपुर चक्र हो, चाहे उसके ऊपर अनाहत चक्र हो, चाहे उसके ऊपर विशुद्ध चक्र हो, चाहे उसके ऊपर आज्ञा चक्र हो और अंत में सातवां सहस्रार चक्र हो, ये मूलाधार से सहस्रार चक्र के जागरण की जो क्रिया है, इसी को हम आध्यात्म की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडलिनी का जागरण कर लिया, उसके लिए इस जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता। उसकी क्षमता इतनी बलवती हो जाती है, उसका आभा मंडल इतना विस्तीर्ण हो जाता है कि जिधर वो चलता है उसी मार्ग का अनुसरण अन्य लोग करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हमारे बीच, अपने ही बीच के, और हम लोगों ने पुरातन छात्र परिषद का गठन करके उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। मुझे पता नहीं है कि अशोक चंद्रा जी को आपने उससे जोड़ा है या नहीं जोड़ा है। अगर नहीं जोड़ा है तो ये आपकी क्रियाशीलता पर एक सवाल है। जिस तरह से आपने हमारे बीच उनको उपलब्ध कराया है, आप अस्थाई तौर पे पुरातन छात्र परिषद से भी आपको जोड़िए। ये हमारे लिए गौरवबोध का विषय है कि हमारे संस्थान से पढ़े हुए विद्यार्थी जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनी कीर्ति को बिखेर रहे हैं, और हम अपने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रशिक्षित होकर के 2-4 साल पढ़ने के बाद विद्यार्थी जहाँ भी जाएगा कुछ न कुछ अच्छा करेगा। ये जहाँ भी जाएंगे रोशनी बिखेरेंगे, इन चिरागों का अपना मकान नहीं होता। तो ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए समर्पित लोग हैं। ऐसी परिपाटी और ऐसा प्रशिक्षण हमारे संस्थान से आप जब पढ़े रहे होंगे, उसके बाद इस संस्थान में हम लोगों ने विशेष प्रयास करके कई गुणात्मक सुधार किया है। संरचनात्मक और प्रकारात्मक दोनों दृष्टि से वो सुधार देखे जा सकते हैं, और हमें जानकारी नहीं थी, आज जानकारी मिली है। हम विभिन्न अवसरों पे इस संस्थान में, आपके संस्थान में आपको हम आमंत्रित करते रहेंगे। आप सभी को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।